नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। चीन में कोरोना का पहला मामला 31 दिसंबर 2019 को आया था। अब वहां कोरोना में मरीजों का आंकड़ा करीब 83,000 होने वाला है। चीन में 4,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें भारत की तो यहां भी हालात तेजी से गंभीर हो रहे हैं। यहां भी मरीजों का आंकड़ा 83,000 छूने वाला है, जबकि 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आया था। 4 मार्च को मरीजों की संख्या 29 हो गई थी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने जरूरी सावधानियां बरतना शुरू की थी। सवाल यह है कि भारत में कोरोना तेजी से पांव क्यों पसार रहा है? क्या कोरोना का मर्ज बेकाबू हो गया है? क्या सरकार की तरफ से कोई चूक हो रही है? और अगर चूक हो रही है तो क्या? आखिर कोरोना के बढ़ते मरीजों पर काबू कैसे पाया जाए? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिन पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विकास वाजपेयी, सेंट स्टीफन अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज, एक्सेस हेल्थ केयर फ्लोरिडा के CEO डॉक्टर परीक्षित सिंह और साथ ही वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना वशिष्ठ। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैथ्यू वर्गीज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। चाइना में कोरोना की शुरुआत हुई, 3 महीने में वहां पर कंट्रोल में स्थिति आ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति लगातार खराब हो रही है, फिगर बढ़ रहा है। क्यों, कैसे और क्या वजह? देखिए, ऐसा है कि जब चाइना में लॉकडाउन करा था, नंबर ऑफ केसेस तकरीबन 540 के करीब थे और वो धीरे धीरे बढ़ते गए। लॉकडाउन उन्होंने 23 जनवरी को करा, उसके बाद लॉकडाउन के बावजूद केसेस बढ़ते चले गए और 76 दिन लॉकडाउन के बाद जी लगते हैं मैथ्यू जी का ऑडियो हम तक नहीं मिल पा रहा है, फ्रेम हो गया यहाँ पर। लेकिन इससे पहले अब मैं जाना चाहूँगी वंदना वशिष्ठ आपके पास, आखिरकार आप क्या मानती हैं, जो उपाय चाहे लॉकडाउन को लेकर किए गए हों, टेस्टिंग को लेकर किए गए हों, क्या वहाँ पर कोई कमी रह गई? हमारे देश में जो बढ़ रहा है, एक तो हमारे देश में संसाधनों की तो कमी है ही, और 70 साल से जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी हम सर्वविदित है। हमारे यहाँ PPE किट बनती ही नहीं थी, इसी महीने से बनने चालू हुई है। हमारे यहाँ N95 मास्क बनते ही नहीं थे, अभी ही चालू हुए हैं। तो हमारे यहाँ संसाधनों की हमेशा से कमी रही है और ओवर पॉपुलस कंट्री है, डेंसिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है। दूसरी चीज़, लोग जो है वो एजुकेशन का भी लेवल जो है कम है। जैसे लॉकडाउन हमारे यहाँ लागू कर दिया गया था 24 मार्च के बाद, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया, चाहे वो तबलीगी जमात के कारण फॉलो ना किया गया हो, चाहे वो मजदूरों के कारण ना फॉलो करा गया हो। हमारे यहाँ हम लोगों ने हमारी, चाहे जो भी कमी रही हो, मैं इस बात को नहीं कहना चाहूँगी कि कमी किसकी रही, लेकिन ये बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक हमारे पास मेजर था, वन एंड ओनली मेजर जो हम अपना सकते थे वो सोशल डिस्टेंसिंग था और वो हमने फॉलो नहीं किया। आज भी अगर आप देख लें तो रमजान चल रहे हैं, शाम को रोजा इफ्तार के टाइम पर मार्केट्स में भीड़ है और नमाज भी पढ़ रहे हैं लोग। इन सारे नियमों का को ताक पे रखकर, जबकि रियलिटी यह है कि इस वायरस से लड़ने के लिए हम ही योद्धा हैं और हम ही फाइटर हैं और हम ही को लड़ना था। कोई संसाधन इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है मार्केट में, कोई हमारे पास रेमेडी, कोई भी हमारे पास इसका कोई भी हमारे पास दवा भी नहीं है जो कि श्योर एंड सर्टन हम कह सकें कि ये दी जा सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं हमारे पास संसाधन की कमी है और लॉकडाउन ही एक तरीका था, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भी अपना नहीं रहे, खुद अपने जो जिम्मेदारी है उसको नहीं समझ रहे, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका ये तर्क है, लेकिन परीक्षित जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अमेरिका में तो ऐसी चीजें नहीं है, वहां तो संसाधन अच्छे हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है इंडिया के कंपेयर में, फिर वो चूक क्यों हो गई? फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल अमेरिका हो गया है? जी नमस्ते। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए तो बड़े शहरों में शुरू हुआ था, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और जब तक लोग इसको समझ पाए कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तब तक ये फैल चुका था पहले से ही, जिसे आप पॉपुलेशन में कहते हैं एक जो टिपिंग पॉइंट था वो शुरू हो गया था, और ख़ासतौर से न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इतने आ रहे थे तो थोड़ी सी
मुझे लगता है देर हो गई थी इसकी जो गहराई, इसकी सीरियसनेस को समझने में। किंतु अब आप देखिए जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और जो दिन में हर रोज हमारे करीब 2600 लोग मर रहे थे उस समय तीन हफ्ते पहले, अब वो कम होके करीब 1700 के करीब आ गया है, और उसका कर्व नीचे आता जा रहा है। जो आईसीयू की या बेड्स की और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी वो कम होती जा रही है। तो सीरियसली तो लिया उस समय जब स्प्रिंग ब्रेक हुआ था मार्च के टाइम, लास्ट वीक ऑफ मार्च, तो लोगों ने उसको समझा नहीं, इसकी संजीदगी से नहीं लिया, इस कारण यहाँ बहुत फैला। किंतु अब नियंत्रण में आ चुका है। पीपी हमारे पास नहीं थे, खुद के पास ही हॉस्पिटल्स में अब सप्लाईज आने लग गई हैं। आप जानते हैं दवाइयाँ भी नहीं थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत से भिजवाया गया, तो काफ़ी सभी को एकदम से तैयार होकर रैली करना पड़ा। वही अभी भारत में भी करना पड़ रहा है और पड़ेगा, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगी। इसमें कई मरीजों में जैसे आज रिपोर्ट आई 30 से 50 दिन तक वो कोरोना उनके शरीर में रह सकता है और वो कैरियर हो सकते हैं। और हमारी टेस्टिंग जो है अभी जो आज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जो रिपोर्ट आई है 50% टेस्टिंग नेगेटिव आ रही है, वो फॉल्स नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि आप में कोरोना वायरस आप में है तब भी वो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे टेस्ट्स की रिलायबिलिटी भी हमको देखनी पड़ेगी कि हम इतने टेस्ट कर रहे हैं ताकि ट्रेसिंग ट्रैकिंग कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें, मगर हमारे टेस्ट भी अभी तक 50% ही इफेक्टिव हैं, और वो यहाँ पे है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है विश्व भर में, और हमको सबको एक साथ रहकर, और वो जब कहते हैं हमको गार्ड डाउन नहीं कर सकते, अभी सतर्क रहना होगा और इसको ध्यान से इसकी कर्व को फॉलो करते रहना पड़ेगा। सिचुएशन को कैसे डील करें आगे हम आपसे समझेंगे। अभी मैं विकास जी आपके पास जाना चाहूंगी। हम चाइना से अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं सर, वहां भी लॉकडाउन हुआ 3 महीने में, लेकिन स्थिति कंट्रोल में आ जाती है। हमने भी लॉकडाउन करने में बहुत ज्यादा देरी नहीं लगाई, 500 केसेस ही थे, या तो यूं कहें कि हम देश में सबसे पहले ऐसा देश पूरी दुनिया में बना है जिसने 500 केसेस पे ही लॉकडाउन कर दिया। आखिर क्या फिर क्या वजह रही कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और हम चाइना को बीट करने जा रहे हैं इस फिगर्स में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो समझने की है कि कोई भी पैंडेमिक या एपिडेमिक सिर्फ एक बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं होता, सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, वो एक सोशल और पॉलिटिकल फिनोमेना कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सिर्फ लॉकडाउन लागू कर देना एकमात्र अपने आप में सोल्यूशन, हमने लॉकडाउन कर दिया और बैठ गए, हम लॉकडाउन के साथ और जो तमाम चीज़ें हो रही थी, देखिए इस तरीके की परिस्थितियों में बगैर लोगों के सहयोग के आप इन परिस्थितियों को पार कर सकते। लोगों को सहयोग से मतलब है कि ये आपको देखना चाहिए कि लोगों की क्या संभावित दिक्कतें हैं, हमारे लोगों की रहने की जीवन की परिस्थितियां क्या हैं, उनको भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, जब आमदनी नहीं होगी तो वो कहाँ जाएंगे। और इस वक्त बात सिर्फ कोरोना की रही, एक जो बहुत बड़ा पहलू जो हम भूल रहे हैं वो है कि बाकी बीमारियों का क्या हो रहा है, और जो भूख की हालत है इस वक्त, जो जितने बड़े पैमाने पे भूख का फैला हुआ है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आकर के सब एक साथ मिलती हैं, जिसके पास खाना नहीं होगा, उसके पास इम्यूनिटी नहीं होगी, बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति नहीं होगी, और ये सारा कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक वैक्सीन आ जाएगी, हमने लॉकडाउन कर दिया, अब साहब आप भीड़ मत लगाइए और ये सारी बातें, ठीक है, वो आपने सही कहा, पश्चिमी देशों में तो वो तमाम दिक्कतें नहीं है जो हमारे यहाँ संभावित हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हुआ उसमें, और ये सरकार की जो नीतियाँ रही हैं इस बारे में, वो बीच में चाहे वो उन्होंने अलग अलग लोगों को टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके का नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं जो मजदूर है वो मजबूर है इसलिए जा रहे हैं और इसीलिए शायद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे देश में एक राज्य है मैथ्यू जी, मेरा आपसे सवाल है केरल को लेकर। केरल मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है और वहां पर जो रिकवरी रेट है 94% है और दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट जो है वो केरल का है, तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि केरल इतना अच्छा कर रहा है और वो क्या दूसरे राज्यों में नहीं हो सकता है? केरल में बहुत
जानने की जरूरत है कि वहाँ की पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, हिस्टोरिकली वो काफी अच्छा है, बेटर देन बाकी सारे हमारे देशों से। तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने की वजह से केरल को एक एडवांटेज रहा है, और इस एडवांटेज की वजह से हमारे जो जो ट्रैकिंग है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो सबसे पेरिफेरल लेवल पे सबसे हर गांव में जाके ट्रैकिंग हुआ है, हर गांव में जाके पेशेंट का ट्रेसिंग हुआ है, और दूसरी तरफ से जो हंगर की बात वाजपेयी ने बहुत अच्छा बताया, जो हंगर की बात है वो भी वहाँ पे कुटुंबश्री जो उनका जो किचन्स बनाए उन्होंने, कम्युनिटी किचन्स बनाए हैं, जो हंगर का भी उन्होंने देखभाल करा और हेल्थ केयर का भी देखभाल करा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रैकिंग हुआ है हर गांव में, हर गांव में उनको पता था कि पड़ोसी जो है वो इन्फॉर्मेशन देते थे कि ये जो है घर पे ही रहना, इनको घर से बाहर नहीं निकलना, हर पड़ोसी निगरानी रख रहे थे अपने दूसरे पड़ोसी पे कि ये जो है घर से बाहर निकले, निकलना नहीं है इसको, और ये पॉजिटिव है और इसको बचाव बाकियों का करना है। तो जो पूरा सोसाइटी जो है इवॉल्व था, तो दो अहम चीज़ें हैं, एडुकेशन, दूसरा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा अवेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भूखे को उसका भूख मिटाने का पूरा उन्होंने, तो सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रखा है, और लिटरेसी जो वहां पर है, जो अवेक लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में काम आए हैं। लेकिन यहाँ पर वंदना जी ये बताइए, दूसरे स्टेट में क्या रेप्लिकेट नहीं हो सकता है, क्या वजह आप मानती हैं? क्योंकि अगर हम केरल की सरकार की बात करें, एक लेफ्टिस्ट सोच है जहां पर लोकल बॉडीज पर बहुत ज्यादा उनका एम्पावर करने में रहता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, क्या ये तमाम जो फैक्टर्स थे इसी वजह से वहां पर कोरोना से जंग लड़ने में आसानी रही? जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारी, जो अदर स्टेट्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश ले लें, महाराष्ट्र ले लें, और बिहार लें, इवन दिल्ली, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो केरला से काफ़ी अलग है। केरला हमेशा से हमारे यहाँ जो एजुकेशन के मामले में लिटरेसी रेट हमेशा से ही उनका अच्छा रहा है। एक एजुकेशन जो है और लिटरेसी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे किसी भी चीज़ को समझने के लिए और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ऑब्वियसली जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी केरला का हमारे और स्टेट्स के मुकाबले बेटर है, और इसमें कहने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ पर अच्छा है, जहाँ के सरकारें अच्छा प्रयास कर रही हैं, तो उसको लेकिन तो इसे एक सबक हिंदी बेल्ट के राज्यों को भी लेने चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासतौर से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्राथमिक केंद्र, अगर आप चले जाएं तो आप देख सकते हैं किसी से छुपी नहीं है वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। थोड़ा सा कह देना, थोड़ा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगी कि हिंदी बेल्ट या कौन सी बेल्ट, लेकिन हाँ ये बात फैक्ट है कि जिन स्टेट्स में कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, वहाँ हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो भी हमारे सोशल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। हम इवन दिल्ली को ही लें तो आज दिल्ली की जनसंख्या में हमारे पूर्वांचली लोग ज़्यादा हैं, वो हमारे इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं, हमारी राजनीति को भी प्रभावित करते हैं, हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में भी फैला, उसमें तबलीगी जमात का भी रोल था, क्योंकि वो उनका जो सेंटर था वहीं था, और ऊपर से जो हमारे मजदूर भाई थे उनके ऊपर भी आपदा ये यहाँ पर ज्यादा। एक वर्ग को अगर आप टारगेट करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। आपने देखा महाराष्ट्र में भी गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग गए हुए थे, और वो पंजाब में गए तो वहां भी संक्रमण लेकर आए। तो देखिए, एक इस तरह से बात करना आज के वक्त में मुझे लगता है कि बीमारी होगी। परीक्षित जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि ओपन अप अमेरिका, तो एक पॉलिसी की तरफ वो अमेरिका जो मूव कर रहा है, आपको लगता है कि ये राइट टाइम है, ये राइट अप्रोच है इस वक्त इकोनॉमी की तरफ मूव करना बजाय हेल्थ छोड़कर? तो इसमें दो समस्याएं हैं, और बैलेंस जैसे येन एंड यांग जो करना होता है वो बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ बहुत कम कोरोना की स्प्रेड हुई है। जैसे हमारी काउंटी में देख लीजिए, 1,70,000 लोगों में केवल 100 केस आए अभी तक, क्योंकि एक तो लोग थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा रूरल एरिया है, तो रूरल एरियाज को खोलना मेरे ख्याल से ठीक है, हालांकि सतर्क रहना होगा। जो सिटीज़ हैं जहां पे ज़्यादा फैल रहा है, वहां पे अभी भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होना ज़रूरी है, और PPEs लगे, और मास्क का यूज़, हाथ धोना,
जो आप डिसैनिटाइजर जो सैनिटाइजर यूज करते हैं उनका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से खोलना तो पड़ेगा, जैसे सिलेक्टिवली जैसे खोल रहे हैं मेरे ख्याल से वो ठीक है, कॉशियसली सतर्क रह के करें तो ठीक है। ठीक है, लॉकडाउन खोलने की तैयारी हमारे यहाँ भी हो रही है और एक नए रंग के साथ लॉकडाउन 4 लागू होगा, तो उससे फिगर्स पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जो अभी मौजूदा ट्रेंड दिख रहा है 3500 हर दिन केसेस सामने आ रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त जो ट्रेंड दिख रहा है, आपको बता दें पिछले 9 दिनों से हर दिन 3500 नए केसेस सामने आ रहे हैं और बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। माना यह जा रहा था कि लॉकडाउन 4 के वक्त हम चाइना को बीट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आज शाम तक माना जा रहा है कि हम चाइना को इस फिगर में बीट कर देंगे। इसके पीछे क्या कारण है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही 18 मई से जो लॉकडाउन 4 आएगा नए कलेवर के साथ आएगा, तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या वो मेजर ग्राउंड होना चाहिए। सबसे पहले मैथ्यू जी, मैं अगर आपसे इसको समझू, चूंकि जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, आगे की तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं? लॉकडाउन खुलेगा तो उसके साथ किस तरह का फिगर बढ़ेगा, क्या प्रिडिक्ट है आपका? नहीं, इसमें हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। जितने आंकड़े अभी हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे लगा कि शायद ऑडियो खराब हो गया था, जितना मेरे को दिखा है कि जो चाइना का जितना फिगर बढ़ा है उससे बहुत अधिक हम आगे भी नहीं है, बहुत अधिक पीछे भी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। हमारी जो मोर्टेलिटी जो है पर मिलियन जो डेथ है, चाइना का 3 पर मिलियन था, हमारा 2 पर मिलियन है, और जो टेस्टिंग के फिगर्स हैं हमारे वेस्टर्न फिगर से बहुत कम हैं। तो एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं कि कितनी बीमारी समाज में फैली हुई है। तो अगर हम खोलते हैं, जब तक हम प्रिकॉशंस लेंगे तब तक ठीक रहेगा, लेकिन हमारी सामाजिक दूरी, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग लगाने की जो दिक्कतें हैं वो रहेंगी, लिमिटेशंस रहेंगी, तो छुटपुट हमारी जो है आंकड़े पीछे बढ़ेंगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बहुत अधिक ज़्यादा खराब होगा जितना मेरे को दिख रहा। लेकिन खोलने में हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, भीड़ इकट्ठी होने के लिए जहाँ जहाँ मौके हैं वो समझ के उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंटेनमेंट जोन्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन स्कूल शायद हम खोल सकते हैं, जो सामाजिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सेलेक्टिवली हमको करना पड़ेगा। पूरा तरीके से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा सेफ होगा, क्योंकि अभी भी हमारे आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड थी, और मैं नहीं चाहता हूं कि अगर हम खोल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं लगता मेरे को। वल्लभ जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो पर मिलियन 1540 लोगों के हम टेस्टिंग कर रहे हैं। यूएस में यह आंकड़ा 31,000 के लगभग है, स्पेन में 52,000 के लगभग है, रशिया में 42,000 के लगभग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्टिंग के मामले में हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। इसके साथ ही 3% जो है एक्टिव केसेस वो आईसीयू में है, ये स्थिति है। अब जाहिर तौर पर वंदा जी, लॉकडाउन खुलेगा तो फिगर्स चेंज होंगे, ये बढ़ेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं? बिल्कुल, अब जो हमारी स्थिति है वो बहुत बेहतर हो चुकी है। अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो COVID-19 से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। और अगर हम लॉकडाउन 4 में सेलेक्टिव ओपन करेंगे, इसमें सेलेक्टिव होंगे कि हॉट जोन्स हैं जो उनको हाईलाइट करें और उन्हें बिल्कुल सील कर दिया जाए, इस तरीके की सेलेक्टिव जो काम हम करेंगे, तो नेचुरली हमें उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लॉकडाउन है उससे हम पे जो आर्थिक प्रभाव पड़ा है, खासतौर से हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और अगर
हम भूखे होंगे, भूखे पेट जो है ना भजन भी नहीं कर सकता इंसान, तो बीमारी से कैसे लड़ेगा। तो इस पक्ष को भी देखकर जो हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को में थोड़ी ढील दी जाए, और इसके लिए ये भी है कि हम मेंटली खुद भी प्रिपेयर हों, जनता खुद भी अपने आप इनिशिएटिव ले, सोचे कि हमें अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में, अपने आप को घर में कैद रखना है। लॉकडाउन करके लोगों को जागरूक कर दिया सरकार ने, अब लोगों की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जब आप बाहर निकले। अब विकास जी मैं आपके पास जाना चाहूंगी, हमने वियतनाम को देखा, हमने सिंगापुर को देखा, यहाँ पर जो केसेस है बहुत कंट्रोल में आ गए हैं, और यहाँ अगर इंडिया की हम बात करते हैं 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के, लेकिन वो स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, तो उन देशों से हम किस तरह से सीख सकते हैं, क्या वहाँ पर मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या आप यहाँ पर सुझाव देना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स को? एक चीज पे को बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं मैं कि सारा ठीकरा लोगों के माथे पे फोड़ना ये बहुत बड़ी भूल है। हमारे खाद्य भंडार जो हैं वो भरे पड़े हैं और उसके रहते लोग भूखे मर रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात है तो जिस तरीके से पूरा लॉकडाउन लागू किया गया है उसका एक बड़ा जबरदस्त क्लास ओरिएंटेशन था, ठीक है, वो एक वर्ग विशेष के हित में था और तमाम मेहनत कश वर्गों के को उसने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। ऐसे में ये अपेक्षा करना कि सोशल डिस्टेंसिंग करे, सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे समाज में ही वो स्ट्रक्चर्ड है पूरी की पूरी, जरूरत इस बात की फिजिकल डिस्टेंसिंग की है, ठीक। और सरकार को जो करना चाहिए, अगर सरकार वाकई इसको रोकना चाहती है तो अपने खाद्य भंडार खोले, लोगों तक खाना पहुंचाए, मजदूरों को उनको उनका वेतन दे, अपनी तरफ से दे, ठीक, न कि ये कि 400-500 रुपए और सारा। अभी तक ये बताइए लॉकडाउन में जितने भी बाकी देश हैं, वहाँ इटली हो, स्पेन हो, यूके हो, यूएस हो और तमाम देश, वहाँ लॉकडाउन के बाद नए केसों की संख्या में गिरावट आई है। हमारे यहाँ लॉकडाउन के बाद वो केस अब लगातार अभी भी बढ़ रहे हैं जी। वियतनाम का देख लीजिए उदाहरण, वियतनाम में कुल 14 मई तक उनके 288 केस थे सिर्फ, और एक भी मृत्यु नहीं हुई थी। वियतनाम कोई बहुत धनी देश नहीं, लेकिन आज की तारीख में वियतनाम अमेरिका को मदद पहुंचा रहा है। तो वो वियतनाम ने कैसे किया, उन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बुनियाद पे ये सब किया। ये बात मुझे बताइए, आज करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद हमारे पास क्या ऐसा प्रमाण है कि हिंदुस्तान के छोटे शहरों, दूर दराज के गांव इलाकों वगैरह में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी ज्यादा सुदृढ़ हुए हैं, वहां पे सुविधाओं को स्थापित किया गया है ताकि बीमारियों के उनको जल्दी से पहचाना जा सके और इलाज किया जा सके। हमारे पास IDSP ये जो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था कि कितनी बीमारियां हो रही हैं का उनकी वीकली रिपोर्ट वो अपनी वेबसाइट पे डालते थे, अब वो IDSP की भी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट, अब उसकी रिपोर्टें भी नहीं आ रही। तो ये तो हमारी परिस्थिति है, और हम अगर ये मानेंगे ऐसे में कि साहब हमारी स्थिति आज बहुत ज्यादा स्वावलंबन की है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी खामियां हैं और मुसीबत हर लेवल भी इकोनॉमिक लेवल पर सिस्टम में चेंजेस करने की जरूरत है। आपसे यहाँ पर परीक्षित जी समझना चाहेंगे, अगर हम कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिकल बैटल की बात करें, तो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया आपको क्या लगता है कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी, मेरे ख्याल से कई चीजें बहुत अच्छी की गई हैं भारत में, और यहाँ से हम देख रहे हैं क्योंकि हमने तो न्यूयॉर्क में जो हुआ वो पास से देखा, हमारे मित्र और डॉक्टर लोग भी वहाँ थे, फ्रंट लाइन में थे। तो जो भारत में किया गया है वो बहुत चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से की गई हैं। पहले तो आपने जैसे कहा कि लॉकडाउन सही टाइम पे किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग और जो बेड्स अवेलेबिलिटी इन्होंने तेज़ी से बढ़ाई, जैसे रेलवेज के इन्होंने बोगीज को बेड में कन्वर्ट किया, तो प्रोएक्टिव तो थे। और जो अब दवाइयों के मामले में भी APIs वगैरह जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको तेजी से बढ़ावा देके जल्दी से दवाइयों का बनाना, अभी 2 दवाइयां हैं, गिलियड के एसोसिएशन में भी इन्होंने दवाई बनानी शुरू की है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तो तादाद
बढ़ाई गई है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है। मैथ्यू जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए, कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है? आपने शुरुआत का सवाल था चाइना से कंपेयर करा था, बिल्कुल, लेकिन चाइना से अगर कंपेयर करेंगे बहुत अहम चीज है चाइना में, ना ही तो ऐसी इतनी हंगर है और ना ही ऐसी माइग्रेशन, मास माइग्रेशन वर्कर्स की, एक भी वर्कर वहां माइग्रेट करते हुए नजर नहीं आया, इसलिए क्योंकि उनकी पूरी देखभाल करी गई है। वहां पे हमारी फेलियर रही है और हमें ये जरूरी है कि आगे को देखना है तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना पड़ेगा और हंगर पे जोर देना पड़ेगा। दोनों चीजें नहीं करेंगे तो ना तो फिजिकल डिस्टेंसिंग होगा, ना आपकी बीमारी कंट्रोल में होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव आप दे रहे हैं पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे और हमारी सिचुएशन जिस तरह से बेकाबू होती दिख रही है, आने वाले समय में उसे कंट्रोल करने में मदद ये जो पॉलिसी मेकर है उन तक इन सुझाव के जरिए पहुंचे। राजनीति में आज के लिए इतना ही, वक्त छोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।